हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम योर मैथ्स फ्रेंड दीपिका एंड यू आर वाचिंग माय चैनल नेम्ड मैथ्स विद अर्णा। यस्टरडे और आवर प्रीवियस वीडियोस वी आर लर्न सर्कल फ्रॉम क्लास 9th अप टू थ्योरम 10.11 एंड टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द थ्योरम 10.12। दिस इज द लास्ट थ्योरम फ्रॉम द सर्कल चैप्टर ऑफ क्लास 9 एंड दिस इज नॉट मोस्ट इम्पॉर्टेंट बट फॉर नॉलेज एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट। यू हैव टू understand what the theorem says. So let's start our topic. Theorem 10.12. If the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, then quadrilateral is cocyclic. कि क्या कहता है? हम अपनी फिगर दूसरी कॉपी पे बनाते हैं। ये कहता है कि हमारे पास ना कोई भी quadrilateral है, ठीक है? सर्कल तो बनाना ही पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग ही बनाएंगे। तुम सर्कल को मत देखो भी, हमारे पास कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, मेरे पास कोई भी ये क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल का सम, मान लो बी और डी का जो सम है ना वो 180 दिया गया है, ठीक है? हमें क्या गिवन है कि एंगल बी ए सी, मतलब कोई भी अपोजिट एंड बी डी सी 180 है और ए बी डी और डी सी ए 180 है। हमें ये प्रूव करना है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक का मीन्स इसके जो चारों कॉर्नर्स होंगे वो सर्कल पे लाई करेंगे। हम अपनी फिगर को ध्यान में देखते हुए करते हैं, ठीक है? हमें ये बताती है, हम पहले थ्योरम पढ़ चुके हैं कि अगर 3 नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं तो सर्कल उनसे पास होके जाता है, तो हम चारों से तो पास करते हुए नहीं बना सकते, लेकिन इसलिए मैंने अपने सर्कल को 3 पॉइंट से पास करता हुआ बना लिया है जिसका सेंटर है ओ, ठीक है? तो मेरे पास क्या है, ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है? अगर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है तो मुझे अपनी थ्योरम पता थी कि ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, कि एक सर्कल पास होता है 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट से, ठीक है? तो मैंने एक सर्कल भी ड्रॉ कर लिया। लेट अस ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, लेट अस ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है? और अब हमारा पता है, अब हमने सर्कल 3 पॉइंट से जा रहा है तो डी तो सर्कल पे जाता ही नहीं है, तो हमने ये जो हम अब हम कंट्राडिक्शन का यूज करेंगे, हमें डी को सर्कल से पास होते हुए दिखाना है, तो हम एज्यूम कर लेंगे एंड लेट अस एज्यूम D is not lie on the circle. D तो सर्कल पे lie ही नहीं करता है। अगर D lie नहीं करता, A, B, C lie करते हैं, तो जो quadrilateral बनेगा उसमें AD तो कहीं सर्कल पे intersect करेगी। तो मान लिया मैंने सर्कल पे D dash से intersect कर रही है और join कर दिया इसको, ठीक है? थोड़ी सही सी नहीं बनी फिगर, थोड़ा इंटरसेक्ट कर दिया। तो हमने क्या देखा, नाउ ए डी इंटरसेक्ट सर्कल एट डी डैश, डी डैश पे इंटरसेक्ट करती है, सो तो क्या होगा, ए बी सी डी डैश इज को साइक्लिक। और अगर ये को साइक्लिक है तो इसका मतलब एंगल ए बी सी एंड एंगल ए डी डैश सी क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। ये वाला और ये वाला एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री का मतलब सम 180 होता है, ठीक है? सप्लीमेंट्री है, 180 है। ये हो गई हमारा फर्स्ट। बट हमें क्या गिवन था, बट हमें ये गिवन था कि एंगल ए बी सी और एंगल ए डी सी कितना है, 180 डिग्री।
ये हमें गिवन था। देखो फर्स्ट एंड सेकंड थ्योरम इक्वेशन, फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, हमें ये मिलेगा, दोनों को इक्वल रख दो, ए बी सी प्लस एंगल ए डी डैश सी इज इक्वल टू ए बी सी प्लस ए डी सी। देखो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल, तो आपका ए डी डैश सी किसके इक्वल आ गया, ए डी सी के इक्वल आ गया, इसको कहेंगे थर्ड। अब देखो हम क्या करेंगे, आप इस वाले ट्राइंगल पे आइए, डी डैश डी और सी पे आइए, मैं इसको थोड़ा बता देती हूँ, ये वाला जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल का ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है, तो इसके और इस वाले एंगल के क्या होगा, सम के इक्वल होगा। तो हमारा जो होगा ये एंगल ए डी डैश सी इक्वल होगा ए डी सी प्लस डी सी डी डैश के इक्वल होगा, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है, आप ए डी डैश डी की जगह क्या लिख सकते हैं, हम ए डी सी लिख सकते हैं थर्ड इक्वेशन से, क्योंकि इक्वल आया है। तो ए डी सी इक्वल ए डी सी प्लस एंगल डी सी डी डैश फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ठीक है। अब ए डी सी ये इधर आकर किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, ए डी सी इज इक्वल टू डी सी डी डैश, ए डी सी में से ए डी सी गया क्या आया, जीरो, इज इक्वल टू डी सी डी डैश। देखो डी सी डी डैश ये एंगल जीरो है, इट मीन्स सी लाइन तो इसी के ऊपर लाई करेगी, इट मीन्स डी डैश एंड डी क्या करते हैं, कोइंसाइड, और कोइंसाइड करने का मतलब डी क्या है, सर्कल पर ये दोनों अलग अलग पॉइंट ना होकर एक ही पॉइंट है, ठीक है, दोनों अलग अलग ना होकर क्या है, ये एक ही पॉइंट है। इसका मतलब है, इट मीन्स इसका मतलब है डी डैश एंड डी आर को इनसाइड, और ये को इनसाइड करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, दस आर इंसेप्शन इज रॉन्ग, जो हमने सोचा था कि डी सर्कल पर लाई नहीं करता वो तो रॉन्ग हो गई, अब वो रॉन्ग हो गई, तो इसका मतलब क्या है, क्या इम्प्लाइज करता है, डी लाइज ऑन सर्कल, तो इसका मतलब एंड हैंस हमारी थ्योरम प्रूफ हो गई कि ए बी सी डी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, हैंस प्रूव्ड। आई होप यू लाइक माई वीडियो एंड यू अंडरस्टैंड दिस थ्योरम वेरी वेल। इफ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर अमंग्स योर फ्रेंड, शेयर मोर एंड मोर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।